नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। दोस्तों, हमारे जो इथरनेट केबल है इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम आ रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरा कंप्यूटर है ना, अभी इथरनेट केबल से कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इथरनेट से अभी स्पीड चेक करूँ तो 12-13 MB आएगी। अगर मैं उसी नेट के साथ वाईफाई से अगर स्पीड चेक करूँ तो 25 MB के समथिंग आएगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये भी आप देख रहे हैं ना, ये इथरनेट से कनेक्ट है, केबल से कनेक्ट है। मेरी केबल कहाँ जा रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए किससे कनेक्ट है, ये इथरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी स्पीड टेस्ट करते हो, देखिए कितनी स्पीड मिलती है मुझको, देखिए। तो ये वोडाफोन से मेरी कनेक्ट है और मैं अभी स्पीड चेक करता हूँ तो जो मुझे इसकी स्पीड है वो 12-13 MB ही मिल रही है। ये पिंग 117 मिल रहे हैं, ठीक है। अब स्पीड चेक करिए, तो ये मैं लगभग एक हफ्ते से अधिक वक्त हो गया मैं स्पीड चेक कर रहा हूँ, मतलब 12 से कम ही मिल रही है मुझको। ये देखिए अभी 8 MB आई है ना, ठीक है। ये देखिए 8 MB तो मुझे डाउनलोडिंग मिली है और ये 4-5 है मुझे अपलोडिंग मिली है, वोडाफोन के बता रहा हूँ, 4G कनेक्शन। अभी ये मतलब 13 तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती, मैंने चेक कर लिया है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि जो आप ये देख रहे हैं ना इथरनेट, इसको करता हूँ डिसेबल और यहाँ करता हूँ वाईफाई इनेबल। कैसे करना, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही सरल है, वीडियो लिंक दे दूँगा मैं। तो ये करते हैं डिसेबल, ये वाईफाई हो गया इनेबल। तो अभी अब थोड़ी देर आप देखो नीचे देखो, अभी आपको वाईफाई का आइकन दिखाई दे रहा होगा, वाईफाई आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारा इथरनेट वाला है तो अब इस वेबसाइट को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अभी जो आप देखेंगे ना, ये वाईफाई से है, सेम नेटवर्क है लेकिन वाईफाई की स्पीड बता रहा हूँ। और ये हमारा सेम नेटवर्क पे इथरनेट का आ रहा है और ये सेम नेटवर्क पे स्पीड वाईफाई की आ रही है। वाईफाई को जो स्पीड हम 2 बार टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, तो पिंग थोड़े बढ़ गए हैं, ये तो जाहिर सी बात है, वाईफाई पे पिंग वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये देखो वाईफाई की जो स्पीड कितनी आ रही है, 17, 18, 25 तक आ रही है, मैं बता रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ 25 तक आ जाती है, ठीक है। अभी तो हवा काफ़ी चलती है तो 25 तक आ जाती है। और अपलोडिंग तो कम ही आ रही है, लेकिन कभी कभी अपलोडिंग में 20, कभी कभी तो अपलोडिंग में 20 आती है, डाउनलोडिंग 20 आती है। तो ये देखो सेम नेटवर्क इथरनेट से स्पीड चेक करूँ तो 8 आ रही है और वाईफाई से करूँ तो 22 आ रही है। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने केबल चेंज करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपनी केबल दिखा देता हूँ। देखो जो केबल है ना, ये वाली केबल, ये केबल मैं लेके आया था 120 रुपये की समथिंग, और इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ख़राब है। अभी इस पर याद एक चीज़ लिखी हुई मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस पर लिख रखा है E5, केट E5, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए E5, यानी E5 की जो केबल स्पीड होती है केट E5 वो होती है 100 MB तक, ठीक है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जो केट E5 की स्पीड है वो होती है 100 MB तक। जब मैंने इसके फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखे थे तो कुछ लोग बोले कि ये केट 5 ही है जिसकी स्पीड 10 होती है, तो ये भी हो सकता है। तो मैंने सोचा यार एक नई केबल मंगाया जाए, केट 6, और उसके द्वारा रिप्लेस किया जाए। अगर हम उसको रिप्लेस करके देखते हैं तो स्पीड आती है नहीं आती है, तो चलिए हम केट 6 की स्पीड लगाकर देखते हैं उससे कितनी स्पीड आती है, या फिर यही आती है। अगर यही आती है तो कंप्यूटर के अंदर गड़बड़ है, और स्पीड बढ़ जाती है तो इस केबल के अंदर ही गड़बड़ थी। चलिए ये नई केबल लगा दी दोस्तों। ये जो कनेक्शन देख रहे हैं ना आप, ये कनेक्शन मेरा आउटडोर से आ रहा है, इसको मैं छत पे यूज़ करता हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर छत पे जा रहा है। और छत पे इसको मैं कैसे उपयोग करता हूँ इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी विस्तार से, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ, जो पुरानी केबल थी उसकी स्पीड 10 से कम आ रही थी, इसकी कितनी आती है चलते कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर। तो दोस्तों ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, और मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ये देखिए इथरनेट से कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। और स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, वोडाफोन आइडिया की सिम यूज़ करते हैं हम छत के ऊपर, कैसे यूज़ करते हैं वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिए। और इस केबल को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पर देख लीजिए। तो स्पीड हमें मिल रही है दोस्तों लगभग, पहले हमें 8 मिल रही थी, इसकी मिल रही हमें 17, यानी डबल हो गई है, 8 × 16 डबल हो गई है। और 8 × 16 32, यानी कि
28 MB मिली दोस्त, यानी डब 20 MB से ज़्यादा स्पीड बढ़ गई हमारे हमारे कनेक्शन इतने ही है, 25 MB 30 MB इतने ही मिलती है, सुबह सुबह आपको 45 तक मिल जाती है अभी। तो ये केबल बिल्कुल ठीक है, और पिन देखिए पिंग भी अच्छे आ रहे हैं इसमें। तो देखा दोस्तों एक केबल से मेरा कितना नुकसान हुआ, जो मेरी पुरानी केबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों वो पुरानी केबल है, और इसकी हालत देखो यार, मैंने इस पर कुछ नहीं किया, लगा कर छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक देखो खिस गया, इतनी ये गुजरी क्वालिटी की दी इन्होंने, ये देखिए। और आप एक और बात का आश्चर्य करोगे कि जो ये केबल है ना दोस्तों, अगर आप इसके यहाँ देखोगे ना, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख रखा है इसके अंदर केट 5E ऐसा लिख रखा है, ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया यार, ये रहा, ये देखिए आपको, देखिए ये लिख रखा है दोस्तों केट 5E, ठीक है ये देखिए, लेकिन स्पीड 10 MB नहीं आ रही, मतलब ये केवल दोस्तों केवल केट 5 थी, और उस दुकानदार ने पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे बेवकूफ बनाया, और इतनी घटिया क्वालिटी थी देखिए, एक महीना भी नहीं हुआ होगा यार, एक महीने से कम वक्त में हालत देखो कितनी ख़राब हो गई। देखो दोनों साइड मुझे टेप लगानी पड़ी, वह तो मैं उसको रिप्लेस नहीं करता, मैं तो वाईफाई लाने के लिए सोच रहा था, मैंने सोचा फिर क्योंकि इसके अंदर तो लिख रखा था केट 5E, तो मैंने इंटरनेट पता लगाया, तो उन्होंने बोला कि भाई अब या तो कंप्यूटर में खराबी है केबल है, मैं केबल तो चल रही है यार, दिक्कत कहाँ है, कंप्यूटर में काफ़ी सारी सेटिंग है मैंने की, फिर मैंने सोचा केबल ला कर देख लेते हैं, केबल लेकर आया जब अभी अब मुझे 30 से 45 MB स्पीड मिल रही है। वीडियो पसंद है लाइक करिए, ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर, थैंक यू।